हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम लहसुन की गीली चटनी बना रहे हैं, एकदम स्पाइसी चटनी, आपका मुंह का स्वाद बदल दे इस तरह से बना रहे हैं और बिल्कुल आसानी से बन रही है। इसमें कोई गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, बिना गैस जलाने वाली हम लहसुन की चटनी बना रहे हैं। ईजी है और प्लस टेस्ट भी बहुत है। अगर आपके यहाँ कुछ सब्जी ना हो तो इसे रोटी के साथ या फिर पराठा, खिचड़ी, भाकरी उसके साथ खा सकते हो, तो और दुगुना टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अभी मैंने ये जो कली है ना, ये मैंने 8 कली ली है। दो ये मिर्च, सूखी मिर्च ली है, इसे मैंने पीस में कट कर दिया है। साथ में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रखना है कि जितना लहसुन होता है ना, उससे अगर आप कटोरी से या फिर छोटे चम्मचों के उसी से आप काउंट कर लीजिएगा, और इसी से डबल या और उससे थोड़ा ज़्यादा नमक लीजिए। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ लहसुन की ही आपको टेस्ट लगेगी, रियल टेस्ट नहीं लगेगी। साथ में मैंने लिया है आमचूर पाउडर, वो आधा टीस्पून लिया है। साथ में मैंने 2 नमक, एक सादा नमक और एक सेंधा नमक, इसे काला नमक पन भी कहते हैं, वो लिया है। इसके साथ लिया है जीरा। तो अभी इसे हम मिक्सी जार में डालते हैं। 2 मिनट में बनने वाली, लेकिन बहुत ही बढ़िया, ये चार पाँच दिन ईजिली रहेगी। पहले इसे हम थोड़ा सा पीस लेते हैं, फिर मैं आपको वापस बताऊँगी। देखिए, इस तरह से हमने अभी कर दी है, तो जो साइड पे लगा हुआ है ना, वो हम वापस डालेंगे इसमें। इसमें आप रोस्टेड 1 टेबलस्पून मूंगफली भी डाल सकते हो, तो भी इसका टेस्ट बढ़िया सा आएगा। अभी देखिए, इस तरह से हमने ये साइड का निकाल दिया है। पहले इस तरह से कर देना है और उसके बाद इसमें पानी डालना है। ये देखिए, आप इसे पाव, ब्रेड इसे भी लगा के बना सकते हो, एकदम बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसका। और थोड़ा सा मीन्स 2 टेबलस्पून जितना पानी वापस इसे हम बना लेते हैं। और लगता है कि अगर ये और थोड़ा गाढ़ी हो गई तो इसमें और थोड़ा पानी आप डाल सकते हो। ये देखिए कितने इसका प्यारा कलर आया है। लगभग मैंने 3 टेबलस्पून जितना पानी इसमें मिलाया था, तो भी और 1 टेबलस्पून इसमें आ सकता है। अगर आपको चाहिए और ज़्यादा पत्ती चाहिए तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ तो ज्वारी की, मकई की रोटी तो और भी ज़्यादा टेस्ट देती है। ठंड में तो वैसे भी लहसुन खाना बहुत सारा फायदेकारक होता है, तो इस तरह से गर्म गर्म भाकरी या फिर रोटी, ज्वारी की, बाजरे की, तो इसके साथ ये चटनी क्या बात है। अभी इसे हम, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और टेस्ट भी है। तो अभी इसे हम सर्व करते हैं। देखिए, इसे हम डिश में निकालेंगे। एकदम बढ़िया सा प्यारा कलर। और अगर मिक्सी में कुछ लगा होगा ना, वैसे तो लगा रहता है, पूरा तो स्पून से नहीं निकलता है, तो इसे आप थोड़ा सा आधा टीस्पून जितना पानी डाल के पूरा इसे निकाल सकते, एकदम बढ़िया सा निकल जाएगा। देखिए, लहसुन की प्यारी चटनी हमारी रेडी हो गई है। और ये देखो, ये लगा हुआ है, तो इस पर हम 1 टीस्पून जितना पानी डाल के इसे भी हम निकाल देंगे, बिल्कुल भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और बढ़िया से टेस्ट आएगी इसकी। तो ये चटनी देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी है। तो आप इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और कभी जल्दबाजी में आपके पास सब्जी ना हो तो इसी तरह से बना के भी आप एंजॉय कर सकते हो। इस तरह से लहसुन की चटनी ज़रूर बनाएं, ये 3-4 दिन इजीली रहती है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो। एकदम स्पाइसी और साथ में थोड़ी सी खट्टी भी, क्योंकि हमने आमचूर पाउडर डाला है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन डाल सकते हो, तो भी ये बढ़िया तरीके से बनेगी। प्लस इसमें आप मूँगफली भी डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून जितनी रोस्टेड मूंगफली डालोगे तो भी ये एकदम बढ़िया सी टेस्ट देगी। पर मैंने जो ये ओरिजिनल है, मुझे इसी तरह से पसंद है, तो मैंने इस तरह से बनाई है। तो आप इसमें ऐड करके भी बढ़िया सी बना सकते हो और एकदम बढ़िया सी, बिल्कुल कम समय में बनने वाली टेस्टी स्पाइसी, मुँह का स्वाद बदल देने वाली। तो इस तरह से बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।
आप इसे दाबेली, वड़ा पाव, सैंडविच इसे में भी हम खास यूज़ कर सकते हो, तो जो आपका टेस्ट है ना दुगुना बढ़ जाएगा।